बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम मोहम्मद यासर हुसैन और आज की इस वीडियो से हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का डेमो आप पिछली वीडियो में देख चुके हो। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेबसाइट में हमारे पास एक होम पेज है जिसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, और उसके बाद है हमारा अबाउट पेज और एक है हमारा कॉन्टेक्ट, उसके बाद है हमारा एक ब्लॉग पेज। इस वेबसाइट का ये वाला पार्ट जो है हम लोग आज डिज़ाइन करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये कम्प्लीटली तौर पर रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। मोबाइल में ये इस तरह से नजर आएगा, जब भी एक हैंड पर पर जब भी क्लिक होगा तो इस तरह से जो है ना अंदर से आ जाएगा बाहर हमारा नेवबार, और ये पूरी तौर पर जो है ना रिस्पॉन्सिव और एनिमेटेड होगा, ठीक है। तो ये अमेजिंग सा प्रोजेक्ट जो है आज हम लोग इस वीडियो में बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर जो है एक फोल्डर बना लिया है मियांवाली वॉल्ड हाउस के नाम से, और उसी के अंदर मैंने वीएस कोड को ओपन कर लिया है। अब इसी के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है। ये है मियांवाली वॉल्ड हाउस का फोल्डर और इसी के अंदर जो है मैंने वीएस कोड को ओपन किया है। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं और देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक इमेज है, उसके बाद हमारे पास ये जो चार पांच है, पांच हमारे पास हाइपर लिंक्स है, ठीक है, जो कि एक से एक पेज से दूसरे पेज में यूजर को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टोटल हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छह चीजें हमारे पास हैं, और इसमें इमेज की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इमेज हम लोग ले आते हैं। ओके गाइस, तो मैं इमेज को ले आया हूँ और उसको मैंने ये यूटिल नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। ये हमारे पास आइकन के नाम से इमेज आ चुकी है और ये यूटिल के फोल्डर के अंदर है। यूटिल का मतलब है यूटिलिटी, ठीक है, और यही चीज हमारी शो हो रही है वीएस कोड के अंदर, ठीक है। इसी फोल्डर में हमारा जो वीएस कोड है ओपन है, और यूटिल के अंदर हमारे पास एक वेब आइकन के नाम से जेबीजी इमेज मौजूद है। तो इमेज हमारे पास आ चुकी है, बाकी हम लोग इसी में कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बना लूंगा फाइल जो कि होगी जी home.html, और इस home.html में हम लोग बॉयलरप्लेट सब कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ html5 और ये हमारे पास बॉयलरप्लेट आ चुकी है। बेसिकली हम लोगों ने जो है ना इस वेबसाइट का बनाना है हेडर, ठीक है। ये जो नेवबार है ये हमारी वेबसाइट का क्या है, हेडर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक हेडर टैग लिखी, हम लोग हेडर बनाने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट का। उसके अंदर हमारे पास जो है नेवबार है, नेवबार के अंदर हमारे पास एक आईएनजी है, यानी कि इमेज, ठीक है। आईएनजी लेने के बाद मेरे पास आईएनजी का टैग आ गया, इसमें एसआरजी में मैं छोड़ देता हूं यानी कि लिंक। तो लिंक मैं यहां पर दे दूंगा, यूटिल लिखूंगा, और मेरे पास अगर सजेशन नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल प्लस स्पेस करता हूं, मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं यहाँ से जो है ना वेब आइकन को लिंक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे चाहिए जी हाइपर लिंक्स, और वो भी मुझे चाहिए पांच हाइपर लिंक्स चाहिए, तो मैंने पांच यहाँ पर लिख दिया है। तो हम लोगों ने जो है ना पांच हाइपर लिंक्स बना लिए हैं, और पहला जो हाइपर लिंक है उसका नाम है जी होम, और दूसरा जो हाइपर लिंक है उसका नाम है जी अबाउट, और तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है कॉन्टेक्ट, और इसी तरह जो लास्ट वन है उसका नाम है जी लॉग, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब। तो ये हम लोगों ने जो है ना बेसिक चीजें हम लोग अभी नेट पर ले आए हैं, और इसमें हमारे पास एक इमेज और उसके अलावा पांच हाइपर लिंक्स थे। अभी हम लोग इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर वो लाइन पर क्लिक करूंगा। अभी ये हमारे पास वेबसाइट बन चुकी है, जिसमें क्या है, जिसमें एक तो हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, उसके अलावा ये होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग और सब्सक्राइब पास का हमारे पास हाइपर लिंक्स जनरेट हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं ऊपर देखूँ वेबसाइट के हेड में, तो हमारे पास जो वेबसाइट का नाम आ रहा है वो है डॉक्यूमेंट, और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी इमेज शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने लगानी है इमेज। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी मियांवाली वॉल्ड हाउस, और यहाँ पर लिखूंगा जी, ठीक है। उसके बाद मुझे आप लिंक करना है इसके साथ पे आइकन को, तो मैं यहाँ पर लिंक लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पर पे आइकन लिखूंगा, तो ये पे आइकन जो है ना मतलब यहाँ पर लिंक हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेपीजी, और ये पड़ा है हमारे पास यूटिल वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपका जिसको सेव, तो मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट को देखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर आ गया मियांवाली ओल्ड हाउस पर आगे होम लिखा हुआ है, और साथ साथ हमारे पास ये सेल्फ आइकन की पिक्चर भी आ चुकी है। तो इतना हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अभी ये इमेज है ना, सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मुझे इमेज खड़ रही है, ये जो इमेज है इसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस इमेज को छोटा करूंगा, ताकि मुझे थोड़ी सी समझ आए कि मैंने अब क्या करना है। तो मैं जाता हूँ, अब देखो ये तो हो गया हमारी एचटीएमएल हमारी नेवबार की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसी एचटीएमएल की सीएसएस बनानी है। अब इसको डिजाइन करने के लिए हमें सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग एक और फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सारी सारी सीएसएस को रखा करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सीएसएस, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा style.css। तो ये मैंने फाइल बना लिया, और इसी फाइल को मैं लिंक करूंगा अपने home.html के साथ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिंक करूंगा, लिंक मैं लिखूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सीएसएस, मुझे लिंक करनी है सीएसएस को, यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो ये पेपर आगे जो एचएमएल है इसके अंदर जो रेफरेंस हम लोग देंगे वो हम लोग देंगे सीएसएस फोल्डर के अंदर बड़ी स्टाइल का। तो ये हमारे पास लिंक हो चुकी है। अब हम लोग स्टाइल में जाकर सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हमारी जो सीएसएस है लिंक हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं पीजे दे दूंगा, पीजीसी यहाँ पर मैंने दे दिया है, कोई भी कलर देता हूँ ये,
तो अभी मैं यहां से गाड़ियां से करने के बाद मैं जाता हूं, तो ये मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, यानी कि हमारी जो ये CSS है ये लिंक हो चुकी है। तो अब हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे अपनी इमेज को कम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हेडर है, हेडर के अंदर हमारे पास नेवबार है, नेवबार के अंदर हमारे पास img है, ठीक है। और उस पर जो विड्थ है ना वो मैं 80 पिक्सल रखा है, और मैं सेव किया, अब मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास इमेज अब अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हेडर को और नेवबार को बैकग्राउंड दे देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हेडर का कितना एरिया है और नेवबार का कितना एरिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना मैं हेडर लिखूंगा और इसका जो पीजी है ना पीजीसी बैकग्राउंड वो मैं दे दूंगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक मैंने दे दिया। और उसके अलावा जो नेवबार है उसका जो मैं बीजीसी दूंगा वो मैं दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर ग्रे दे देता हूँ, ठीक है, मैंने ग्रे दे दिया। अब मैं जाके देखता हूँ तो ये चीज है, अब देखो ना हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा, हमारे पास ग्रे बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो ब्लैक जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारा कहाँ गया, तो वो हमारा इसी नेवबार के एरिया के बिल्कुल नीचे पड़ा, ठीक है, इसी नेवबार के एरिया के बिल्कुल नीचे पड़ा। अब इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो मेरी नेवबार है उसकी जो विड्थ है, नेवबार की जो विड्थ है वो आपका 75%, यानी कि जो हमारा हेडर है उसकी जितनी भी विड्थ है उसके 75% विड्थ का जो नेवबार, तो ये कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो ये देखो 75% जो था वो विड्थ मिल गई है नेवबार को, जिसका कलर हमने रखा था ग्रे, और जो बाकी 50% वाली वो मिली है हमारे नेवबार हेडर। तो ये चीज है ना हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमें पता चल गया कि नेवबार का एरिया कितना है और दूसरा एरिया कितना है। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मेरी नेवबार है, ये जो मेरी नेवबार है ये आ जाए सेंटर पर, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं ये करूँगा कि जो मेरी नेवबार है ना उसको मैं डिस्प्ले दे दूंगा फ्लैक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट जो है ना उसको मैं कर दूंगा सेंटर। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो मेरा नेवबार है उसके अंदर जो मौजूद कंटेंट है वो आ जाएगा सेंटर पर, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन मुझे तो इस नेवबार को सेंटर पे लाना था, तो मैं क्या करूंगा कि यही प्रॉपर्टी दूंगा हेडर को भी, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पे हेडर के नीचे लगा दूंगा, अब सेव करूंगा और जाऊंगा, तो ये मेरे पास सेंटर पे आ चुकी है। अब देखो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए क्या है सेम है, तो फिर जो है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन दोनों को जो है ना एक ही प्रॉपर्टी देनी चाहिए एक जगह पे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बोर्ड बना लेता हूँ ये हेडर और कॉमा प्रेस करने के बाद लेफ्ट जी। अब जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी लिखूंगा वो दोनों पे अप्लाई होगी, जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो मैं इसके अंदर डालू, यहाँ से मैं करूँगा कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल सी से पेस्ट, और यहाँ से मैं डिलीट करूँगा और यहाँ लेफ्ट बार से डिलीट करूँगा। अब मेरे पास ये डिस्प्ले फ्लेक्स है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये जो दो चीजें हैं ये मेरे पास हेडर में भी लग चुकी हैं और नेवबार में भी लग चुकी हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा, यहाँ पर मुझे कोई भी चेंज देखता हुआ नहीं लग रहा है, यानी कि वो हमारी प्रॉपर्टी सही तरीके से लग चुकी है, यानी कि जो हमारा पहले दो जगह पे लिखने पर रिजल्ट आ रहा था वही हमारा एक जगह पे लिखने पर भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा हेडर है उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो होगा, उसका जो कलर होगा वो होगा, वो होना चाहिए व्हाइट, ठीक है, कलर होना चाहिए व्हाइट, जितने भी हमारे वो है ना हाइपर लिंक उनका कलर होना चाहिए व्हाइट। मैं यहाँ पर हेडर लिखूंगा जी हेडर, उसके बाद हमारे आते हैं जी नेव, फिर उसके बाद आते हैं जी हाइपर लिंक, उनका जो कलर है वो मुझे चाहिए जी व्हाइट, यहाँ पर मैंने व्हाइट लिख लिया, तो ये मेरे पास व्हाइट कलर की आ चुके हैं। अब जो नेवबार है, नेवबार का कलर मुझे ग्रे नहीं चाहिए, ठीक है, इसका मुझे कलर नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो है वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए किया। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइब पास वाला है ना ये नेवबार के अंदर ना है, बल्कि ये नेवबार से बाहर है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यानी कि ये नेवबार ये सब्सक्राइब पास है ना ये आ जाए इस नेवबार से निकल कर यहाँ हेडर के अंदर, यानी कि ब्लैक वाले एरिया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारी एचटीएमएल है इसके अंदर ये सब्सक्राइब पास वाला हमारा हाइपर लिंक है इसको मैं ले आऊंगा नेव के बाहर, तो मैं यहाँ पर अल्ट प्रेस करूंगा, अल्ट करने के बाद डाउन एरो की प्रेस करूंगा, तो ये मेरे पास नेव बार के नीचे आ चुका है, नेव बार से ये बाहर निकल गया, तो ये हेडर के सेक्शन में घुस गया, तो ये हमारे पास हेडर में आ चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर असल में हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो हाइपर लिंक का कलर है जो भी नेव बार के अंदर हाइपर लिंक पड़ा है उसका कलर हो जाए, सिर्फ नेव बार के अंदर नहीं बल्कि हेडर के अंदर भी आपको दिखते हैं हाइपर लिंक उनका कलर तो अभी मैं करूंगा करूँगा सब्सक्राइब पास का भी जो हमारा टेक्स्ट है उसका भी कलर हो जाएगा सब्सक्राइब पास। अब देखो अब यहाँ पर जो होम अबाउट और कॉन्टेक्ट और ब्लॉग है ये आ रहा है बिल्कुल ऊपर, ठीक है, और ये सब्सक्राइब पास भी आ रहा है बिल्कुल ऊपर, तो इसको भी हम लोग चाहते हैं कि ये भी आए सेंटर पर, ठीक है, ये भी हमारे पास सेंटर में आए और ये चीज भी हमारे पास सेंटर में है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यही फ्लैक्स की हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर, जैसे हम लोग लिखा कि डिस्प्ले हो जाए फ्लैक्स, यानी कि जो भी चीजें हैं वो आ जाए रो में, वो किसमें आ जाए रो में आ जाए, तो ये हमारे रो में तो आ गई, उसके बाद हम लोगों ने कहा डिस्प्ले फ्लैक्स आ गई रो में, उसके बाद हम लोगों ने बोला कि आप इसको कर दो सेंटर के अंदर, जितना भी कंटेंट है उसको कर दो सेंटर के अंदर, तो फिर इसने इसको कर दिया सेंटर के अंदर। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि सेंटर में तो आ गया हॉरिजॉन्टली, अब वर्टिकली भी जो है ना ये सेंटर पे है, तो वर्टिकली भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अलाइन वाला प्रॉपर्टी, अलाइन कंटेंट, तो अलाइन कंटेंट भी हम लोग यहाँ पर सेंटर कर देंगे, तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ मतलब नहीं आ रहा। अच्छा तो हम लोगों ने गलती कहाँ पे की है, गलती हम लोगों ने अलाइन कंटेंट, बल्कि हम लोगों ने अलाइन आइटम करना था, अलाइन आइटम सेंटर, तो आइटम्स हैं उनको सेंटर पे आना है, तो अब जो है ये चीजें हमारे पास आ चुकी है, जो अलाइन कंटेंट है ना वो हमारे ग्रिड की प्रॉपर्टी है ना कि हमारे पास फ्लैक्स की, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास अब आ गए हैं सेंटर में। अभी जो नेवबार है इसकी जो विड्थ है ये थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है, तो इसको मैं काम कर दूंगा ये 75 से, इसको मैं कर दूंगा जी 72 और इसको सेव कर दूंगा,
और आप जाके देखूंगा तो ये आप काफी बेहतर लग रहा है। उसके अलावा ये देखो अब जो हमारा हेडर है, हेडर के बाद मार्जिन आई है, ठीक है। हेडर के बाद हमारे पास काफी सारा गैप है, इस गैप को कैसे खत्म करेंगे। ये गैप हमारा हर डेम के साथ होगा, यही हर एलिमेंट के साथ होगा। तो हम लोगों को जो है ना इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग ग्लोबली जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। अब ग्लोबली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, अब इसलिए हम लोग यूज करते हैं स्टार का। स्टार का क्या मतलब होता है, हर एलिमेंट को पकड़ो, ठीक है, एचटीएमएल के हर एलिमेंट को पकड़ो और उसका जो मार्जिन है उसको काट दो जीरो। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर जब जाऊंगा अपनी वेबसाइट में तो ये मेरी जो मेंबर है ये कम्प्लीटली उन पर पीछे से ब्लैक हो चुकी है, इसका मार्जिन बिल्कुल ही जीरो हो गया है। अब ये हमारा हो गया। अच्छा, एक तो हम लोगों ने, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो ये जो मेंबर है, ठीक है, इसके अंदर जो लगा हुआ हमारा इमेज है, ये जो इमेज है ये हमारा होना चाहिए राउंड शेप। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना ग्रेडियंट दे देंगे, बॉर्डर यहाँ पर बॉर्डर और फिर रेडियंस लिखूंगा, यहाँ पर 50% का 50% मुझे रेडियंस के मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली राउंड शेप में आ जाएगा। तो ये देखो मेरे पास राउंड शेप में आ चुकी है। अभी जो नेबर की विड्थ है ये अभी भी ज्यादा नहीं है, तो इसको अभी कर देते हैं 70% करने के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे नेबर के अंदर जो कंटेंट है ना वो क्या हो जाए, वो जस्टिफाई जो उसका जस्टिफिकेशन है ना वो सेंटर ना हो, जस्टिफिकेशन जस्टिफाई कंटेंट है वो सेंटर ना हो। तो कि मैं ये चाह रहा हूँ कि वो सेंटर ना हो बल्कि स्पेस राउंड हो जाए, यानी थोड़ा सा हमें गैप आ जाए, ठीक है, स्पेस राउंड करूंगा और जैसे यहाँ पर जाऊंगा तो ये चीज इनके दरमियान आ गया, ठीक है, ये चीज आ चुकी है। अभी भी ये नेबर जो है काफी ज्यादा बड़ी लग रही है, तो इसको और ज्यादा छोटा करने के लिए यहाँ पर मैं 60% लिखूंगा। अब सेव करके चेक करते हैं, तो ये चीज हमारे पास। अब हम लोग कहेंगे स्पेस अराउंड से बेहतर है कि हम लोग स्पेस इवन लिखा लें, उसे क्या होगा थोड़ा सा वो करीब आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है जिनमें हमारे पास एक होगी स्पेस इवनली, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और अब जाकर मैं चेक करूंगा तो अब ये जो है ना काफी ज्यादा थोड़े करीब आ गए हैं, तो अभी काफी अच्छा लग रहा है। इतना हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास हाइपरलिंक्स है इनके नीचे एक आ रही है लाइन, तो ये लाइन हम लोगों को नहीं चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस लाइन को करेंगे खत्म। तो ये जो हमारा हेडर के अंदर जितने भी ए हैं उनका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो कर दो नन, टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे नन होगा तो लाइन खत्म होगी। अब हमारे पास जितने भी हाइपरलिंक्स हैं उन पर जो भी लाइन वगैरह है वो नहीं आ रही, ठीक है, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारी वेबसाइट हम लोगों ने अभी नया जितनी हम लोगों ने बना ली इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि ये सब्सक्राइब पास है ना इसको हम लोग कर लेते हैं डिजाइन। सब्सक्राइब पास के बटन को डिजाइन हम लोगों ने कैसे करना था, तो पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लोग चेंज करेंगे और इसका जो फॉन्ट है वो हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने सब्सक्राइब वाले बटन को पकड़ना है। अब हम लोग इसको कैसे पकड़ेंगे, तो पकड़ने के लिए हम लोगों को या तो इसको कोई आईडी देनी पड़ेगी या फिर हम लोग क्लास देनी पड़ेगी और फिर हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको क्लास देंगे, क्लास हम लोग इसको दे देते हैं सब्सक्राइब वाली क्लास दे देते हैं, ठीक है, इसी क्लास को यहाँ से कॉपी कर देंगे और यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर चले जाते हैं और अपना जो कोड है यहाँ से नीचे स्टार्ट करेंगे, डॉट लगाने के बाद मैं पेस्ट कर दूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्लैक जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसको कर दो रेड, ठीक है, यानी कि मैं PGC और यहाँ पर डाल दूंगा रेड और जो रेड है ना वो भी मैं थोड़ा सा डार्क वाला करूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डार्क पे ले आता हूँ। तो ये मेरे पास डार्क पे आ चुका है, अभी मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और देखूंगा तो ये जो इसका बैकग्राउंड है वो डार्क रेड आ चुका है। अब देखो ये जो बिल्कुल ही चिपका हुआ जो कंटेंट है उसी के हिसाब से जो है ना हमारे पास ये बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेगी एडिंग, एडिंग का मतलब होता है कि कंटेंट की बॉर्डर तक विड्थ, यानी कि कंटेंट का बॉर्डर तक का फासला एडिंग कहलाता है और जो बॉर्डर है ना इसका जितना भी एरिया है उससे बाहर दूसरे एलिमेंट से कितना गैप होना चाहिए वो हमारा मार्जिन कहलाता है, ठीक है। बाहर की स्पेस खत्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्जिन को खत्म करते हैं और अंदर की स्पेस बढ़ाने को खत्म करने के लिए हम पैडिंग करते हैं, इतना तो समझ लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग मतलब बढ़ाएंगे तो अंदर वाला जो है ना वो बड़ा हो जाएगा एरिया। तो जैसे मैं यहाँ पर पैडिंग लिखता हूँ और मैं कहता हूँ जो ऊपर से पैडिंग है यानी कि टॉप और बॉर्डर ऊपर से और नीचे से, यानी कि जो सब्सक्राइब आज तक जो टेक्स है उसके ऊपर से जो मार्जिन है और नीचे से जो मार्जिन है वो हो जानी चाहिए 10 पिक्सल और जो साइडों से है वो हो जानी चाहिए 20 पिक्सल। तो अभी मैं इसको कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसकी थोड़ी सी मैं एनिमेशन आपको बताता हूँ। जैसे ही हम लोग इमेज पर हवर करते हैं तो ये वाला कंटेंट जो है वो कैसे घिसकेगा, तो ये घिसेगा ऐसे कि जैसे मैं आप लोग इमेज पर हवर करूँ, इमेज पर अपना माउस लेकर जाऊँ तो इसके जो इसका इनके साथ जो फासला है वो बढ़ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करूंगा, इमेज को हम लोगों ने पकड़ा हुआ था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी को लेंगे कॉपी करने के बाद हाँ नीचे मैं करूंगा पेयर और पेयर करने के बाद मैं यहाँ पर इस पर ग्लास लगाऊंगा हवर वाली, ठीक है, हवर मैं यहाँ पर लगा दिया और इसमें मैं दे दूंगा मार्जिन राइट। तो मार्जिन राइट साइड पर मैं कहता हूँ जब भी हवर होगा ना तो मार्जिन इसका काट दो जी 80 पिक्सल जो है ना मैंने कहा इसका मार्जिन काट दो। जैसे इस पर हम लोग करते हैं क्लिक, जैसे हम लोग इस पर जाते हैं हवर करते हैं तो इसका देखो क्या होगा, ठीक है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करें तो कंटेंट दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये हमारे पास एनिमेशन अभी के लिए बन चुकी है, कितना हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि थोड़ी सी टॉप और नीचे से ना जो हमारी इमेज है उसका मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन जो है वो टॉप और नीचे से हम लोग रखते हैं 3 पिक्सल मैक्सिमम 3 पिक्सल रखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये यहीं यहाँ जाते हैं, ठीक है, इमेज का जो टॉप और बॉटम
यानी कि मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप जो है वो 3 पिक्सल मार देता हूं और इसी तरह मैं मार्जिन बॉटम कर देता हूं। 3 पिक्सल जो है मैंने कर दिया है। अभी मैं यहां पे जाता हूं तो ये थोड़ा सा मार्जिन भी आ चुका है। तो ये अब हमारी जो नेवर है ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं रिमूव, ठीक है। इसको हम लोग जो नेवर का हमारा बैकग्राउंड है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो हमारी जो नेवर है वो कहां गई, हमारी जो नेवर है वो ये, तो यहां पर जो इसका पीजी था उसको मैंने कर दिया रिमूव यहां से। ये हम लोगों को नहीं चाहिए। अब हम लोग अपनी वेबसाइट देखते हैं कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। और देखो जैसे ही मैं होम पर हवर कर रहा हूँ और अबाउट पर हवर कर रहा हूँ और कॉन्टेक्ट पर हवर कर रहा हूँ और ब्लॉग पर हवर कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, ठीक है। वो एनिमेशन हम लोग ने बनानी है। तो वो एनिमेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि हम लोग पकड़ेंगे अपने हेडर को, ठीक है। यानी कि हम लोग पकड़ जाएंगे, बल्कि हम लोग इधर इसको डिटाइप करते हैं, हेडर लिख देंगे, फिर उसके बाद नेम लिख देंगे, नेम के अंदर जितने भी ए पड़े हैं, ठीक है, जितने भी ए पड़े हैं नेम बार के अंदर, जब भी उन पर हवर किया जाएगा तो क्या हो, जो BGC है यानी कि बैकग्राउंड कलर वो हो जाए हमारे पास, ये मतलब थोड़ा सा डार्क हो और थोड़ा सा व्हाइट, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ सेव। सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर हवर करता हूँ होम पर, तो ये इसका आ चुका है। अब देखो ये भी बिल्कुल इसके साथ ही है, ये भी देखो अबाउट कॉन्टेक्ट और ब्लॉग। अब इसको भी मैंने बड़ा करना है तो मैं इसके लिए जाता हूँ, इसलिए मैं करूँगा ये कि इसकी पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले तो पैडिंग बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पर बढ़ाते हैं कि इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग हम लोग करेंगे कि ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो ये मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर गया तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये मेरे पास एनिमेशन कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब देखो जितनी भी हम लोगों ने एनिमेशन लगाई है ना वो सारी सारी स्मूथ नहीं है। जैसे हम लोग अगर करते हैं इमेज पर तो ये बिल्कुल ही अचानक से हो जाता है लेफ्ट साइड से। उसी तरह हम लोग जब होम पर जाते हैं, अबाउट पर जाते हैं, कॉन्टेक्ट पर जाते हैं, ब्लॉग पर जाते हैं, तब भी ऐसा होता है कि अचानक से सारा हो रहा है काम। और उसके अलावा इनका बॉर्डर रेडियस भी तो नहीं है ना, इनका बॉर्डर रेडियस भी तो होना चाहिए। तो इन सब का मैं एक ही बॉर्डर रेडियस देना चाहूंगा और जो होगा हमारे पास 4 पिक्सल में थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस चाहिए। तो हेडर के अंदर जितने भी नेवर है उन सब का जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस जो है उसको हम लोगों को 4 पिक्सल रख देना है। अब हम लोग जाके देखते हैं तो इसका 4 पिक्सल, इसका 4 पिक्सल, इसका 4 पिक्सल, इसका 4 पिक्सल, और इसका 4 पिक्सल, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी पर हवर करता हूँ ना तो उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग यूज करते हैं रैम का। रैम की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 8 रैम 16 पिक्सल के इक्वल होता है, तो उसको सबसे पहले हम लोगों ने 10 पिक्सल के इक्वल लेकर आना है, 10 के नीचे या 10 के बराबर का। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना HTML यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। HTML क्या है, हमारा रूट एलिमेंट है, HTML हमारा रूट एलिमेंट है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। तो इस रूट एलिमेंट को हम लोग कहेंगे जो भी फॉन्ट साइज हमारा ब्राउजर यूज कर रहा है उसको कर दो जी 55%, ठीक है, 55% कर दो। ऐसा करने के बाद आप लोगों ने कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने चले आना है नीचे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्राउजर में क्या कुछ फर्क आया। तो जितने भी हमारे थे ना, जितना भी हमारा फोन साइज था वो अब छोटा हो चुका है, जैसे कि हमारा होम था, अबाउट था, ब्लॉग था और जो ये चार चीजें थी ये हम छोटी हो चुकी है। तो इनको भी हम लोगों ने बड़ा करना है। सबसे पहले हम लोगों ने सब्सक्राइब को बड़ा करना है, बाकी को हम लोग बड़ा नहीं करेंगे, बाकी को हम लोग हवर स्टेट में बड़ा करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर हवर स्टेट इसकी ये वाली है, तो मैं यहाँ पर इधर लिख दूंगा कि अगर मैं ये लिखूंगा कि जो फोन साइज है ना इमेज का नहीं, इमेज का मैं यहाँ पर जो नेव बार है, नेव बार के अंदर जितने भी हाइपरलिंक्स हैं तो जब हवर हो तो तब उनका जो फोन साइज है ना वो हो जाए 2 आरियम। 2 आरियम लिखने से जब भी मैं इस पर हवर करता हूँ तो ये देखो इसका जो फोन साइज है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन हम लोग इसका जो फोन साइज है ना वो हम लोग कर लेते हैं 1.8 हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर पैसे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज में है ना 65%। तो अब जो है ना अब फोन साइज काफी, ठीक है, मैं कवर कर रहा हूँ तो ये सही मायनों में सही तरीके से बड़ा हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने सब्सक्राइब को बड़ा करना है, सब्सक्राइब तो हमारा स्केल भी रहेगा। तो इसका जो फोन साइज है वो मैं कुछ बड़ा रखूंगा बन इस पर दूसरे हाइपर लिंक्स पे। तो यहाँ पर मैं इसका जो फोन साइज है वो 2.2 आरियम रखते देखता हूँ, कंट्रोल एफ पे करूंगा सेव और यहाँ पर जाकर चेक करूंगा तो ये मेरे पास काफी अच्छा रहना चुका है, ठीक है। अभी हमारे पास वेबसाइट कैसे बन चुकी है, अभी हम लोगों ने एक तो ये एनिमेशन बनाई है और उसके बाद ये होम अबाउट और उसके अलावा ये कॉन्टेक्ट है लोग हैं और ये चीज है। अब ये एनिमेशन हम लोग बनाई ये स्मूथ नहीं है, तो इनको पहले कर लेते हैं स्मूथ। स्मूथ करने के लिए हम लोग को ट्रांजिशन लगानी पड़ेगी, जब ये इस पार्ट में थी अभी ये इमेज जो है ना इस जगह पे खड़ी है, जब इस पर हवर किया जाएगा ये जब दूसरी जगह पे जाएगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाए किस तरह से जाए, तो वो चीज जो है ना हम लोग करेंगे ट्रांजिशन। अच्छा ये जो चीज है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे ट्रांजिशन लगाएंगे, तो ये मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर जो है ना पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन लगाऊंगा और ट्रांजिशन में तमाम प्रॉपर्टी पर लगाऊंगा और उसके बाद लगाऊंगा ये जो ट्रांजिशन है ये 0.2 सेकंड की वो और इसमें क्या होगी ई स्क्रीन का मैं यूज करूंगा और अभी मैं इसको सेव करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर इस पर कवर करता हूँ ना ये देखो ये अब स्मूथली आ रहा है ये। अब इसी तरह हम लोग जो है ना इमेज साथ करेंगे, जो हमारी इमेज है ये है हमारे पास इमेज, ठीक है। इमेज जब हवर स्पेस में जाने से पहले क्या हो ट्रांजिशन जो है ना हम लोग लगाएंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे तमाम प्रॉपर्टी और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा 0.2 सेकंड की ट्रांजिशन लगे और ये जो ट्रांजिशन है इसमें ई स्क्रीन हो, ठीक है। तो अब देखो अब मैं जब जैसे ही हवर करता हूँ इमेज पर तो ये स्मूथली जो है ना कॉन्टेक्ट को झेल रहा है और उसके अलावा जो हमारा होम है आउट है और इनकी एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अब ये हमारा जो है ना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब हम लोग क्या करेंगे
सब्सक्राइब अस में हम लोग ये करेंगे कि ये जो सब्सक्राइब वाला है इसको मैं करूंगा यहां पे कॉपी और इसी के नीचे मैं यहां पे पेस्ट करके इस पर हवा से इसकी लगा लेता हूं। यहां पर हम लोग ने सबसे पहले इसका बीजीसी है ना बैकग्राउंड कलर वो यहां से करेंगे बिल्कुल लाइट लाइट रेड कर देंगे कि जैसे ही इस पर हवा किया जाए तो ये क्या हो जाए लाइट हो जाए और साथ ही साथ इसकी जो है ना शैडो भी आ जाए। तो मैं यहां पर जो है ना बॉक्स शैडो भी ऐड कर दूंगा और बॉक्स शैडो में क्या करूंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास चार हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहले मैं 2 पिक्सल लिख दिया दूसरे में 2 पिक्सल लिख दिया और उसके अलावा मैं तीसरे में लिख देता हूँ 5 पिक्सल और फिर उसके बाद लिख देता हूँ 2 पिक्सल और जो इसका कलर है मैं बता दूंगा रेड और रेड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको कर दूंगा इसकी ओपेसिटी जो है 50% ले आऊंगा और इसे करूंगा अब क्या देखूंगा जैसे मैं पावर कर रहा हूँ तो ये इस पर आ रहा है शैडो आ रहा है शैडो कुछ ज्यादा नीचे जा रहा है सेम हम लोगों ने किया है यहाँ पर जो ये है ना बॉटम वाला इसको मैं 20 इसकी वजह से ऐसा कर रहा था। तो अब यहाँ पर मैं 5 उसी तरह दूंगा यहाँ पर जो मैंने 20 मिस्टेक से दे दिया है उसको मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा। अब जो है ये काफी अच्छा लग रहा है अभी 2 से इसको भी दे देते हैं ये 3 दे देते अब क्या करते हैं अब ये काफी अच्छा लग रहा है ठीक है। तो इतना हम लोग ने बना लिया अब ये भी बिल्कुल स्मूथ नहीं है ये बिल्कुल ऐसे अचानक से आता है तो इसके भी हम लोग ऐसे करेंगे कि जो हमारा सब्सक्राइबर है ना यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ट्रांजिशन ठीक है दरमियान में लगाएंगे हम लोग ट्रांजिशन यहाँ पर मैं एंड लगाऊंगा ट्रांजिशन और ट्रांजिशन लगाऊंगा तमाम प्रॉपर्टीज पर और तमाम प्रॉपर्टीज पर लगाने के बाद ये जो हमारे पास ड्यूरेशन होगा वो हमारे पास 1.03 सेकंड और साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो ये यहाँ तक तो ठीक है जितने डिवाइस में नहीं चलेगा अगर मैं इसको इंस्पेक्ट में जाकर देखूँ तो इंस्पेक्ट में जैसे मैं इसको छोटा करूँ ये अभी तक तो ठीक है यहाँ तक इसकी जो एनिमेशन है वो ठीक है जैसे मैं इसको छोटा करूंगा और ये जाएगा जी इतना तो ये अब जो एनिमेशन है वो सही नहीं है ये आपस में चीजें मिलने लगती अच्छा यहाँ तक चीजें बढ़िया लग रही हाँ तक यहाँ यानी कि 1000 तो 1000 पर हम लोग चीजें कैसे चेंज करेंगे तो आइए ये देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं आ जाऊंगा अपने स्टाइल वाले में यहाँ पर मैं आप देखूंगा रिस्पॉन्सिवनेस कोड हम लोग इसे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना मैं कमेंट ड्रॉप करूंगा तो यहाँ से मैं लगाऊंगा वीडियो थ्योरी तो जो वीडियो थ्योरी है ना मीडिया थ्योरी मैं लगाऊंगा जी मैक्स वेट पे ठीक है मैक्स वेट पे मैं जो है वीडियो थ्योरी लगाने जा रहा हूँ और इतनी वेट से छोटी होगी 1000 पिक्सल से जैसे आए नीचे है तो क्या होगा वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जो है ना हमारे पास HTML में ऐसे आप कर सकते हो कि वीडियो थ्योरी यहीं पर आप लगा सकते हो कि जैसे ही वीडियो थ्योरी में यहाँ पर मैं देता हूँ कि मीडिया ठीक है मैक्स हमारी जो वेबसाइट है वो कितने तक सही आएगी यानी कि आप हम लोग इसको देखते हैं 800 पे लेकर गए जैसे ही 800 तक पहुंच जाएगा तो 800 तक जब पहुंचता है तब होता है काम का ठीक है यानी कि 800 पिक्सल तक हमारा काम ठीक है। तो हम लोग जो दूसरी मीडिया क्यूरी लगाएंगे ना दूसरी जो हम लोग मीडिया क्यूरी लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे जी 800 पर ना कि 1000 तो 800 पिक्सल मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब हम लोग 800 पिक्सल के लिए काम करेंगे। अब देखो अगर 800 पिक्सल पर वो हो तो सारी चीजें अगर आ जाती है हमारे पास
बिल्कुल कॉलम में आ जाते हैं। तो हमारे पास अभी तक चीजें हो जाएंगी आसान। तो अभी हम लोग जाएं अगर ऊपर देखें कि जो हम लोगों ने करके प्रॉपर्टीज लगाई थी हेडर नेम पर वो क्या थी कि डिस्प्ले कर दो फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर रिटेंस कर दो सेंटर ठीक है ये सारी चीजें हम लोगों ने लगाई थी। तो इसमें क्या होता है रो वाइट था यानी कि जो फ्लैग्स की डायरेक्शन थी वो थी रो। अब हम लोगों ने उसको कर देना काला ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो हेडर है और साथ ही साथ जो नेम है इन दोनों की जो फ्लैग्स डायरेक्शन है ना वो कर दो जी काला ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया बंदोबस्त से। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कर लूंगा इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग जैसे ही 1000 से नीचे जाते हैं 1000 से नीचे गए फॉन्ट साइज इसका कम हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग 800 से नीचे आए तो ये क्या हो गए कम ऊपर चले आए मतलब कॉलम में हो गए। अब जब ये कॉलम में आ चुके हैं जब ये कॉलम में आएंगे अब क्या हो जब ये कॉलम में आए ना तब मैं कहता हूँ कि इनकी जो हेडर है ना हेडर इसकी जो हाइट है वो हो जानी चाहिए हाइट हो जानी चाहिए इसकी 100 bh नेवर के अंदर जितना भी हमारे पास इमेज है जितना भी हमारे पास img है और ये है ठीक है। इनका जो मार्जिन बॉटम है ना है ठीक वो क्या कर दो जी वो कर दो 20 pixel। 20 pixel करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मार्जिन बॉटम नेप के अंदर इमेज और इमेज के अंदर ए तो नेप के अंदर इमेज और इमेज के अंदर ए को छोड़ के मैंने यहाँ पर कौन लगा था वहाँ पर मैं कर देता हूँ आपसे पहली बार यहाँ पर चाहता हूँ यहाँ पर करूँगा तो आपकी मेरे पति ने आ चुकी है। अब हमारे पास जो है ना अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भी ये चीज आ रही है जब भी मैंने इस पर क्लिक किया अब किया तो ये चीज आ गई ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ अभी मैंने ये करना है कि जो ए है ना उसके नीचे ये चीज आ जाए लेकिन जो इमेज है उसके लिए मैं अलग से चीज दूंगा जैसे कि मैं क्लिक करूँ मैप ठीक है। मैप के अंदर आई एम जी और आई एम जी के नीचे जो एम एम वी है यानी कि मार्जिन बॉटम उसको मैं दे दूंगा जी 50 pixel 50 pixel यहाँ पर चलिए आपका थोड़ा सा चेक करके हम यहाँ पर हेडर भी लगा देते हैं ऊपर एक घंटे बाद यहाँ पर चेक करते हैं तो ये अब जो है ना प्रॉपर्टी लग रही है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको वन को हटा दूंगा 50 pixel ये इनफ और यस। तो ये चीज यहाँ पर आ चुकी है और साथ ही साथ जो इसका इमेज की जो विड्थ है जो यहाँ पर विड्थ है उसको भी यहाँ पर मैं जो है 150 pixel कर दूंगा ठीक है। 150 pixel से ये क्या होगा ये थोड़ी सी बड़ी ठीक है। अब ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है तो मैं यहाँ पर इसको 100 pixel कर दूंगा और यहाँ पर जो इसकी हाइट है उसको 30 pixel कर दूंगा। मैं इसको सेव करूंगा सेव करने के बाद यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम लोग अगर देखें तो हमारी कुछ वेबसाइट इस तरह से है कि हमारा जो सबसे पहले इस फॉर्म में होगी जब भी 1000 से नीचे जाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी फिर जैसे ही 800 से नीचे गए इस फॉर्म में आ जाएगी ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वेबसाइट की जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस नेटवर्क की आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर जो है ना एक हैंड बटन लेके आएंगे जब हैंड बटन पर क्लिक हो तभी हो पाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ ये जो मैंने पहले बनाई हुई है जो ऑलरेडी डेमो के लिए बनाई हुई है जब इसको किया जाता है छोटा तो क्या होता है कि एक आ जाता है हमारे पास हैंड बटन जब इस पर क्लिक किया जाता है तो फिर हमारे पास ये होती है नेटवर्क ठीक है और फिर आ जाता है हमारे पास क्रॉस जी। तो ये चीजें हमने क्रिएट करनी है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग हैंड बटन को लेकर आएंगे ओके गाइस। तो मैं जो है ना हैंड बटन और क्रॉस को जो है लेकर आ गया हूँ उसको मैंने यहाँ पर यूटिलिटी के फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे अंदर हमारे पास एक क्रॉस आ चुका है और उसके साथ साथ मेरे पास हैंड बटन भी आ चुका है ठीक है। ये दोनों जो है एसवीजी फॉर्मेट में है ठीक है। ये दोनों एसवीजी हैं और इनको मैंने डाउनलोड किया है जी फॉन्ट पसंद वेबसाइट से तो वहाँ पर जाकर आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे HTML में HTML में हेडर के नीचे हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक डिव बनाएंगे और उसके अंदर उसका नाम रखेंगे जी हैंड बर्गर ठीक है। हैंड बर्गर हम लोगों ने लिख दिया और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जी इमेज को लेकर आएंगे जी आई एम जी और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर दिखाएंगे एस वी जी को हम लोग यूटिल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे हैंड बर्गर को और इसको मैं करूँगा थोड़ा सेव और सेव करने के बाद जैसे मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे एक बड़ी इमेज देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा सा हैंड बर्गर देखने को मिल रहा है मुझे इसको करना पड़ेगा छोटा तो मैं जाता हूँ इसको छोटा करता हूँ तो मैं यहाँ पर हैंड बर्गर को करूँगा कॉपी कंट्रोल सी से करूँगा कॉपी कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट करने के बाद पेस्ट करने से पहले जो है मैंने डॉट करा था तो डॉट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर हैंड बर्गर के अंदर मैं दूंगा जी विड्थ दूंगा तो मैं इसकी विड्थ जो है वो मैं 50 pixel कर देता हूँ 50 pixel मैंने इसकी विड्थ कर दिया। अब जाकर मैं देखूंगा इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसका साइज छोटा हो चुका है। अब ये हैंड बर्गर मुझे तरह से नजर आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे इस हैंड बर्गर की जो है ना विड्थ क्या है अच्छा ये तो हैंड बर्गर के इमेज को मैंने देखी ना मैंने थोड़ा बड़ा दे दिया ठीक है। इसको मैंने इसमें देना है जी इमेज को तो हैंड बर्गर के अंदर जो इमेज है उसका साइज इतना हो जाए तो अब ये इस तरह से रिलोड करने पर मुझे ये चीज दिखेगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो हैंड बर्गर है ना उसकी विड्थ 50 pixel नहीं करनी बल्कि पिक्चर की फिट करनी थी जो हैंड बर्गर है उसकी विड्थ कितनी है ये चेक करने के लिए हम लोग इसको बैकग्राउंड कर लेंगे बीजी देंगे बैकग्राउंड कलर ठीक है। और ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ से प्ले कर लेंगे यहाँ से कटो ऐसे सेव करेंगे सेव करने के बाद यहाँ से रिलोड करेंगे तो ये चीज आ चुकी है हमारे पास ठीक है। तो जो हमारी विड्थ है ना वो 100% है जो हैंड बर्गर की विड्थ है वो 100% और जो उसके अंदर इमेज की विड्थ है वो है हमारे पास वो है इमेज की विड्थ कम्प्लीटली तौर पे 50 pixel है ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हैंड बर्गर है ना हैंड बर्गर जो भी हमारा है जी जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसकी जो पोजीशन है इसी मैं सबसे पहले पोजीशन कर दूंगा जी फिक्स्ड ठीक है। पोजीशन मैंने इसकी डाली फिक्स्ड और जो राइट है राइट से मैं चाहता हूँ कि जो इसकी पोजीशन है वो हो जाएगी 50 pixel ठीक है। 50 pixel जो है ना राइट की तरफ चला जाए और अभी इतना करके देखता हूँ सेव करने के बाद यहाँ पर जाऊँगा यहाँ पर जाने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो ये आ गई है यहाँ पर ठीक है। अब मैं क्या करूँगा अभी मैं ये करूँगा कि यही जो पोजीशन फिक्स है ना मैं दो चीज़ें बाकी करूँगा और ये हैंड बर्गर को दे दूंगा और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो मैं करूँगा 100 pixel से करूँगा सेव करने के बाद यहाँ पर करूँगा रिफ्रेश
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ देखने को मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है ना, अभी ये यहाँ पर फिक्स है, और उसके अलावा हम लोगों को क्या करना था, हम लोग ओके तो हम लोग को ये करना है कि जो जो हमारे पास ये चीज है ना हेल्प करना, हम लोगों ने ऐसे में इसको देना है डिस्प्ले फ्लैग। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि डिस्प्ले फ्लैग जो है इसको मिल जाएगा, और डिस्प्ले फ्लैग के बाद हम लोग कहेंगे जिसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना उसको आप लोगों ने जो जस्टिफाई करना है वो करना है फ्लैग्स एंड, ठीक है, एंड पर जो है आप लोगों ने जस्टिफाई करना है। और यहाँ पर हम लोगों ने पोजीशन का यूज नहीं करना था, बल्कि हम लोग वहाँ पर राइट का यूज करके यहाँ पर सेंड मैसेज दे देंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लोड करेंगे, लोड करने के बाद हम देखेंगे ये यहाँ पर आ चुकी है। अभी तो थोड़ा सा मैं वो राइट साइड पे जाना मार्जिन देना चाहूंगा, तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो मैं उसको बढ़ा लूंगा, 30 पिक्सल कर दूंगा, कंट्रोल एंड सेव करूंगा, और जब चेक करूंगा रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये चीज साइड पे आ चुकी है। तो अभी हमारे पास ये नेवर एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन ये हमें तब चाहिए जब 800 पिक्सल होगा, ठीक है, पहले हमें ये नजर नहीं आनी चाहिए। तो मैं कम कर गया, मैं ये करूंगा कि ये वाला जो कोड है ना इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, पूरे कर दूंगा हैंग करके चीज से करूंगा कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा अब मैं इसको कर दूंगा जी डिस्प्ले, इसका करने का था अभी इसका डिस्प्ले करना था ना, ये इसका डिस्प्ले हो गया ना, हो गया अभी इसका डिस्प्ले हो चुका है नन। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जो है इसको करूंगा रीलोड, ठीक है, रीलोड करने के बाद अभी मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, ये मेरे पास नीचे आ चुका है, पहले ये नहीं था, ठीक है, बड़ा होगा नहीं आएगा, ये अब आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जाता हूँ ये जो हमारा है ना ये चीज क्या कहते हैं हमारा हेडर, जो हमारा हेडर है, ये जो हमारा हेडर है इसकी विड्थ जो है वो कर दो आप 80 pixels, ठीक है, 80 वो कर दो, और उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि जो इसकी पोजीशन है ना उसको हम लोग काटेंगे जी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करने से ये होगा कि इसका नीचे वाले से कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, इसकी अलग लेयर बन जाएगी। तो इसको मैं अभी रिलोड करूंगा तो क्या होगा, ये चीज आ गई ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा जो हैंडब्रेकर था ना, हैंडब्रेकर और साथ साथ उसका जो चीज थी वो ऊपर है, और जो मैं नेवर की मुझे पर एडजस्ट हो चुकी है। अब जो नेवर है उसको हम लोगों ने विड्थ भी देनी है, तो जो नेवर की विड्थ है वो हम लोग कौन सी देंगे, हम लोग कहेंगे जो नेवर की विड्थ है ना वो आप काटो की 80 pixels, ठीक है, 80 pixels नहीं बल्कि 90 pixels, सेव किया, सेव करने के बाद यहां पे करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद ये चीज पर आ गई है, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे ये कि जो हमारे पास इसका इसकी हम लोग ओपेसिटी को डाल पाएंगे, जो हमारी इसकी है ना ओपेसिटी, अच्छा जो इसकी ओपेसिटी है वो मैं करूंगा 0.9, इसकी जो वेट थी हम लोगों ने 50 रखी थी, ठीक है, 50 पिक्सल रखी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसकी जो वेट है ना वो भी अच्छी लग रही है, 50 पिक्सल अच्छा नहीं लग रहा, इसको 40 पिक्सल हम लोग आगे देखेंगे, जो हैंड बर्गर है हमारा इसकी जो वेट है वो हम लोग 50 से कर देंगे 40, ठीक है। और हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हेडर है अगर बाकी चीजें हम लोग मिलाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 से 60, यानी 50 से 60 मार्जिन हम लोग देते हैं बस। तो अगर हम लोग देते हैं हेडर, जो हेडर है उसका जो मार्जिन टॉप है, तो मार्जिन टॉप है उसको हम लोग देते हैं 50 पिक्सल। तो अब हम लोग इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे इसको करेंगे रीलोड, तो ये आ चुका है नीचे, ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास नीचे। और अगर मैं इसको जो चीज है ना मार्जिन इसको मैं कर देता हूँ 45, अब मैं थोड़ा सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ, तो ये मेरे पास अब ठीक तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो चीज है ना ये यहाँ पर अलाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर अलाइन ना हो बल्कि ये साइड पे आ जाए, तो इसीलिए मैं करूँगा ये कि यहाँ पर मैंने लगाना है ट्रांसलेट, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा ट्रांसलेट लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी जैसे 80-90 pixels किया था हम लोगों ने 10 pixels का लेते हैं, यहाँ पर करता हूँ मैं सेव, करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद ऐसे रिफ्रेश किया यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता ये हूँ कि जब इस पर क्लिक किया जाए तभी इतना अपीयर हो, जब इस पर क्लिक ना किया जाए तब ये अपीयर ना हो, फिर इसकी वेट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा, तो मैं इसकी जो वेट है ना यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी 30, ठीक है, यहाँ पर कर दूंगा 70, जो नेवर है ना जो हमारा नेवर है यहाँ पर ये जो 90 यहाँ लिखा है यहाँ पर करूंगा जी 70, अब कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो ये अब हमारे पास थोड़ा सा बेटर दिखेगा, तो अभी अच्छा लिखा, ठीक है, इतना ठीक है, हमारे पास नेवर अच्छी है, ये अब जाएगी अंदर बार, ठीक है, तो इतना मेरा डिजाइन हो चुका है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अगर मैं बोर्ड छोड़ूंगा तो ये मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखे, अगर मैं किसी मोबाइल में ओपन कर तो ये मोबाइल में किस तरह से दिखेंगे, ठीक है, तो ये चीज हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करेंगे कि ये अब ट्रांसलेट हो रहा है जी 30 dB, ठीक है, इसको मैं काटूंगा 100 dB से क्या होगा ये चला जाएगा जी बिल्कुल ही अंदर, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा ये बिल्कुल अंदर चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ग्लास बनाऊंगा, एक और ग्लास ये बनाऊंगा, एक और ग्लास बना देता हूँ जी हेडर शो, हेडर शो की जो होगी ना ग्लास उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें ये जो ट्रांसफॉर्म वाली है ना ये चीज मैं कंट्रोल सी से करूंगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर 100 से मैं लिखूंगा जी 30, ठीक है, जब भी ये ग्लास ऐड होगी, और यहाँ पर ये चीज आ चुकी है बाहर,
तो पहले क्या मसला आ रहा था, पहले कोई ना कोई इश्यू आ रहा था, ये वाली हेडर क्लास जब ऐड हुई है तो ये चीज आ गई है पॉइंट, ठीक है। जब ये हेडर क्लास नहीं होगी तो वो चल जाएगी अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर हेडर क्लास एचटीएमएल करूँ और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ जैसे मैं इस क्लास को करता हूँ रिमूव, यानी कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और हेडर एचटीएमएल करके यहाँ पर इसको कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। इस क्लास को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, ये चली जाएगी। तो यही चीज हम लोग, जब भी हैंड बटन पर क्लिक हो तो ये क्लास लग जाए, और जब हैंड बटन पर किसी जगह क्लिक हो तो क्रॉस पर क्लिक हो तो फिर क्या हो, जो हमारी नंबर है वो अंदर चले। तो ये चीज हम लोगों ने बनानी है, और ये चीज हम लोग बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से जो है डिस्कॉर्ड ओपन कर लूंगा, और यहाँ से इसको जो है छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर दूंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, और जो इसका है ना, इसका मैंने आप क्या करना, हम लोग बनानी है जावा स्क्रिप्ट, एक और फोल्डर बनाएंगे जो जेएस का होगा, उसी के अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे जो स्क्रिप्ट वाली होगी, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये हम लोगों ने फाइल बनाई है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और इसके अंदर हम लोगों ने कोड करनी है, पहले इसको लिंक करना पड़ेगा, यहाँ स्क्रिप्ट को लिंक करते हैं हम लोग बॉडी के नीचे, तो यहाँ पर बॉडी के नीचे यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा, स्क्रिप्ट एसआरसी लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्यू, यहाँ पर जेएस लिखूंगा और जेएस के अंदर जहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये चीज आ चुकी है मेरे पास, तो जब ये चीज मेरे पास आ चुकी है, अब मैं इसको रन करके थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरी जो चीजें चल रही है, कंट्रोल डॉट लो, और इसके अंदर मैं कर दूंगा जी हेलो, यहाँ मैं कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंट्रोल पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये मेरे को हेलो आ रहा है, यानी कि मेरी जो ये चीज है ये सही से काम कर रही है। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या करूंगा ना, ये सबसे पहले तो मैं इस क्लास को रिमूव करूंगा, कि क्लास जो है हमारे पास यहाँ पर नहीं लगी, इसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट से लगाएंगे और रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब मुझे क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ हैंड बटन पर जब वो पे, सबसे पहले मुझे हैंड बटन को पकड़ना है, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, हैंड बटन को पकड़ना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो है ना ऐसा करूंगा कि इसको एक आईडी दे दूंगा, ठीक है, आईडी दे देता हूँ हैंड वाइज, मैं आई डी को दे दी, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में गया, एक मैंने लेफ्ट से बनाया वेरिएबल वन, ठीक है, और उस वेरिएबल में मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट कर लो, डॉक से सिलेक्ट करो जी क्यूरी सिलेक्टर की मदद से, इसको सिलेक्ट करना है, आई डी को सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद आई डी का नाम जो है हमारा हैंड है, ठीक है, तो ये चीज आ गई है हमारे पास। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ने हमारे पास वेरिएबल वन में आ चुका है हैंड बर्गर, हम लोग कहते हैं जो हमारा हैंड बर्गर आ चुका है वेरिएबल वन में, उस पर जब फोन क्लिक हो, ठीक है, यानी जब भी उस पर क्लिक होता है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर एक फंक्शन रन होगा, ठीक है, एक फंक्शन हम लोग रन करवाएंगे, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन क्या करेगा क्लास को, वो फंक्शन सबसे पहले जो पकड़ेगा, लेट से हम लोग बनाते हैं वेरिएबल टू क्या करेगा, वेरिएबल टू हेडर को पकड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डॉग लेता हूँ, फिर उसके बाद चार्ट में सभी चीज़ लेता हूँ, चीज़ में कराएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इसके अंदर मैंने सेलेक्ट करना हेडर को, तो मैंने सिंपली जो है यहाँ पर लिखूंगा हेडर, तो मेरे पास हेडर आ चुका है। फिर अब मैं क्या करूंगा, इस हेडर जो हमारा आ चुका है, हेडर के अंदर मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर करना ये चाहता हूँ कि क्लास जो है क्लास लिस्ट, और यहाँ पर जो है ना टूटल करके मैं यहाँ पर जो है ना हेडर शो नाम की क्लास को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा स्लाइड में और इसी को यहाँ पे करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, और कॉपी करने के बाद इधर जाके पेस्ट कर दूंगा, यही वाली जो है ना हम लोगों ने करानी है, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, तो ये चीज मेरे पास, ठीक है, तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद यहाँ पर मैं करूंगा रिफ्रेश करने के बाद ये चीज हमारे पास चली गई है, जैसे मैं हैंड करके क्लिक करता हूँ ये चीज़ देखा, ये चली गई। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जब भी हैंड बटन पर होता है क्लिक, ठीक है, जब भी हैंड बटन पर क्लिक हो तो हैंड बटन क्या बन जाए, क्रॉस में कन्वर्ट हो जाए, हैंड बटन किसमें कन्वर्ट हो जाए, क्रॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये करेंगे कि हैंड बटन को आप लोगों ने क्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग कहते हैं कि अगर जो हमारी थी ना, अगर मैं देखता हूँ कि अगर जो वेरिएबल टू है, यानी कि जो हेडर है, ठीक है, उसके अंदर जो क्लास लिस्ट है उसमें अंदर कंटेन करती है जी, कौन सी क्लास कंटेन करती है, ये वाली क्लास मौजूद है, अगर ये हेडर शो वाली क्लास मौजूद है, जब हेडर शो वाली क्लास मौजूद होगी तब क्या होगा, तब ये होगा कि वो चीज अपीयर होगी, जो भी हमारा लैपटॉप है ना वो, यानी कि अपीयर होगा, जब वो अपीयर होगा तो क्रॉस का बटन आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि अभी हम लोगों ने हैंड बटन को भी पकड़ा हुआ है, हैंड बटन को हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, हम लोग कहेंगे कि जो हमारा वेरिएबल वन में जो हैंड बटन है, ठीक है, उसका जो एसआरसी है, एसआरसी, ठीक है, वो भी इसके इक्वल हो जाए, वो हो जाएगी हमारा यू, हमारा वो हो जाएगी यू टी एल, ठीक है, यू टी एल के अंदर क्रॉस डॉट एस पी जी, ठीक है, इसके हो जाएगी इक्वल। तो अभी अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर जाऊँ, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हैंड बटन पर, मैंने क्लिक किया तो मेरा जो हैंड बटन था वो क्रॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी हम लोग रिफ्रेश नहीं किया ना, तो हम लोग पहले इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, आ रही है, ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज आ रही है। अब हम लोगों ने ये देखा है कि ये क्रॉस आया है हमारे पास, ये थोड़ा सा बड़ा है बनिस्पत उसके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका क्रॉस है ना, इसकी जो फिट है ये कुछ ज्यादा है, तो इसकी हाइट को भी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाने के बाद जो हमारा हैंड बर्गर है, अभी हमारा हैंड बर्गर ये है, हैंड बर्गर के अंदर जो हमारा इमेज है, इमेज हमारे पास हैंड बर्गर ये है, इसकी जो फिट है वो 40% और इसकी जो हाइट वो भी होनी चाहिए 40 पिक्सल। तो हम लोग ऐसे करेंगे सेव, करने के बाद यहाँ पर करने के बाद अब मैं क्लिक करता हूँ, तो ये चीजें सेम है, ठीक है। अब जब भी मैं कर रहा हूँ क्रॉस पर क्लिक तो वो जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्रॉस ही क्रॉस आया हुआ, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जब कहा कि शो हो तो तब क्या हो, ये चेंज है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कहा है, ये नहीं बोला कि एल, अगर ये चीज नहीं होती तो फिर क्या, फिर वही चीज जो है वही चीज रहने दो, यानी कि इस चीज को मैं यहाँ पर करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पर करूंगा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ना हैंड बटन लिखूंगा, ठीक है, हैंड और
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जो है ना 1 पिक्सल कम कर देते हैं। आई थिंक इट्स इनफ। अब ये काफी बेटर लग रहा है ना बोले। तो ये अभी हम लोगों ने जो अपनी है ना नेटवर्क डिजाइन कर ली है, इतनी नेटवर्क हमारे पास हो चुकी है। अभी इसकी मैं रिस्पॉन्सिवनेस आपको चेक कर रहा हूं, तो ये कुछ इस तरह से रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वेबसाइट काफी अच्छी बन चुकी है। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, हैमबर्गर क्रॉस में क्रॉस हैमबर्गर में भी हो रहा है, वो भी काफी अच्छा सा था, ठीक है। और यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि हैमबर्गर के साथ मैं यहां पर एक हेडिंग भी ऐड करता हूं। हेडिंग में क्या होगा, हेडिंग में ये होगा कि यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हैंड बटन है ना, इसके अंदर मैं लिखूंगा H1, यहाँ पर लिखूंगा मियां वाली कूल हाउस, ये मैं लिखूंगा। लिखने के बाद मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये चीज मेरे पास आ चुकी है। और यहाँ पर आप मुझे ये पता चला है कि इसको जो है ना मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स को मैंने कर दिया था, लेकिन साधारण यहाँ का चैनल नहीं था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ अपना हैंड बटन में, हैंड बटन के अंदर जाऊँ मैं डिस्प्ले फ्लैक्स किया था, वहीं मैं साधारण आइटम कर लूंगा सेंटर में, तो ऐसे करूंगा सेव। मैं जाऊँगा यहाँ पे, जैसे मैं किया अब क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और ये करूँगा कि यहाँ पर जो हैंड बटन है ना, इसी के अंदर हमारे पास क्या चीज पड़ी है, इसके अंदर हमारे पास पड़ी है हेडिंग H1, ठीक है। और H1 का जो मार्जिन राइट है वो मैं दे दूंगा जी 50 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर ऐसे पेपर के यहाँ पर जैसे जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये इतना आ चुका है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी जो है ना साइज हमारे पास बन चुकी है। अब इसमें एक मसला है, इसमें अब सिर्फ एक मसला रह गया है, वो एक मसला ये है कि इसका जो फोन साइज है, इसका जो फोन है वो जो है वो नहीं है जो मैंने अपनी वेबसाइट में यूज किया है। ये जो फोन है इसका नाम है ओपन फोन, ठीक है। ये हम लोग सेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी ओपन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गूगल फोन लेंगे, सबसे पहले गूगल फोन, तो गूगल फोन हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जाएंगे जी गूगल फोन में, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ गए, यहाँ पर हम लोग ने जाना था गूगल फोन पे, तो यहाँ पर गूगल फोन आ चुके हैं। यहाँ पर मैं फोन में जाऊंगा, यहाँ पर फोन में जाऊंगा। फोन से पहले ये मुझे बता दिया है कि आप जो फोन पहले यूज कर चुके हैं वो हैं, तो इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ जी। तो ये इंपोर्ट का लिंक है जी, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करूंगा। कंट्रोल से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा कि जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट है उनकी जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, जो फॉन्ट फैमिली है उनको काट दूंगी ओके, ठीक है। ओके पर कंट्रोल ऐसे मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब मैं जाके अपनी वेबसाइट को देखता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो ये इसका फोन इस तरह से हो चुका है। तो अब ये वेबसाइट हमारे पास कंप्लीटली तौर पर, ये जो हमने बनाया है ये कंप्लीटली तौर पर हमारे पास बन चुकी है। इसमें एनिमेशन भी हमने लगा दी है और ये पूरी तौर पर रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ से पता कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखें तो ये है हमारा फुल साइज, ठीक है। जैसे हम लोग इसको करते हैं छोटा, जैसे हजार से छोटा होता है तो इसका रिस्पॉन्स साइज ये भी डिक्रीज हो जाता है। फिर जब हम लोग इसको और छोटे में देखते हैं इस साइड में आना है, तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सही नंबर बन चुका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।